थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक व्हील है और वो कांस्टेंट एक्सलरेशन से मूव कर रहा है, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वेयर के एक्सलरेशन से मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है 0 है फॉर फर्स्ट 10 सेकंड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वेयर, नेक्स्ट 10 सेकंड विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और नेक्स्ट 10 सेकंड यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटिंग टू रेस्ट, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यदि इसका ग्राफ बनाए एंगुलर वेलोसिटी का और टाइम का, तो पहले तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन जो है कॉन्स्टेंट है, मेगा इज इक्वल टू मेगा नॉट अल्फा टी, ये वैल्यू 0 है, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। 10 सेकंड तक इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसके बाद ये नेक्स्ट 10 सेकंड जो है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, फिर उसके नेक्स्ट 10 सेकंड ये जो है रेस्ट पे आ गया, हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है क्या होगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो है 4 दी हुई है, टाइम जो है 10 सेकंड है, 40, फिर 40 यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 40 होगी। ग्राफिकल मेथड से करें इस क्वेश्चन को तो ओमेगा किसके बराबर होता है, डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा डी टी वो किसके बराबर, डी थीटा के बराबर होगा। डेल्टा थीटा जो है बेसिकली क्या होगा, एरिया ऑफ डब्ल्यू टी ग्राफ, डब्ल्यू टी ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसका एरिया निकालना है, ये वाला जो एरिया है किसके बराबर होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, किसके बराबर हो जाएगा 200, ये कितना होगा 400, सिमिट्री एरिया कितना होगा 200। तो जो टोटल एरिया है डेल्टा थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा, 200 प्लस 400 प्लस 200, आंसर क्या हो जाएगा, जो डेल्टा थीटा है हमारा वो किसके बराबर होगा, 800 रेडियन इसके बराबर होगा। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका, एंगल रोटेटेड बाय द फ्लाई व्हील वो कितना हुआ, 800 होगा। यदि आप इसको ग्राफिकली नहीं करना चाहते क्वेश्चन को तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कि हमने पहले निकाला ओमेगा जो है ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ये 0 है, अल्फा टी वैल्यू जो है 4 है, डेल्टा टी का पहले 10 सेकंड में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये निकालना है, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये वैल्यू 0 है, तो हाफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू 4 है, टी 10 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर हो जाएगा रेडियन। पहले 10 सेकंड में वो इतना रेडियन तय करेगा, सेकंड डेल्टा थीटा टू नेक्स्ट 10 सेकंड में कितनी तय करेगा। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर, ओमेगा के बराबर है, ओमेगा टी, एंगुलर एक्सेलरेशन तो कितना है 0 है, हाफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 है, इंटू 10 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 40 है, इंटू टी जो वेलोसिटी है ऑफ टी इज इक्वल टू 10 सेकंड पे वो हमने निकाली कितनी है, 40 है। तो ये टी की वैल्यू जो है 10 है, तो 400 रेडियन हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थर्ड के रीजन के लिए वो तो कितनी है, 40 है, फाइनली फाइनल कितनी है 0 है, टाइम इंटरवल जो है 10 सेकंड है, तो हमें डेल्टा थीटा निकालना है, उसके लिए अल्फा चाहिए, क्योंकि अल्फा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फाइनल वेलोसिटी जो है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 40 है, प्लस अल्फा डैश इनटू टी, टी जो है 10 है, अल्फा डैश की वैल्यू कितनी है, -4। पहले वाले केस में 0 से 40 हो रही थी, इसमें 40 से 0 हो रही है, टाइम सेम है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन सेम
सेम होगा पर नेगेटिव होगा। अब फार्मूला लगा देते हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस, एस की वैल्यू 10 है तो इस नहीं 2 ए एस डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जो डेल्टा थीटा है इस केस में 40 इंटू 40 अपॉन 8 200 हो जाएगी। जो डेल्टा 3 है बेसिकली है डेल्टा 3 थर्ड इंटरवल में कितना होगा 200 होगा, तो टोटल डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 1 तो 200 था फिर 400 था फिर 200 था, टोटल कितना होगा 800 होगा रेडियन। तो इस तरीके से भी कर सकते थे आप, सिमिलर क्वेश्चन हमें काइनेमेटिक्स में किए हैं।